पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चेहरा घोषित करने की आलाकमान से मांग की है। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड की जनता और कांग्रेस के हित में यह जरूरी है कि विधानसभा चुनाव किसी के चेहरे पर लड़ा जाए जिससे पार्टी की नीति स्पष्ट तौर पर सभी को नजर आए और भाजपा के खिलाफ पार्टी को मजबूती मिल सके। आलाकमान किसी को भी 2022 विधानसभा चुनाव का चेहरा बनाए, वह उसके साथ पूरी तरह मजबूती से खड़े हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर दबी जुबान पर हमला करते हुए कहा कि जिनका मन नेतृत्व में चुनाव न लड़ने का है उसके लिए आलाकमान आगे फैसला करेगा। उत्तराखंड राज्य की जनता के हित में और कांग्रेस के हित में भी आवश्यक है कि हम एक स्पष्ट चेहरा जिससे नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हो सकें और भाजपा का कंट्रास्ट साफ साफ दिखाई दे तो हम नेतृत्व में जाएं। और वो कोई भी व्यक्ति हो, मैंने तो कहा जिसको घोषित कर दो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, तो इसमें कोई संकोच पार्टी को नहीं होना चाहिए। तो लेकिन आलाकमान क्या इस ओर ध्यान नहीं दे रहा जिस तरह से और नेता भी ध्यान दे रहे हैं? ये स्थानीय तौर पर हम लोग मानस तो बनाए, एक बहस हुई, अच्छी बात है, एक चर्चा हो रही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। कुछ लोगों का मत नहीं है, कुछ लोगों का मत हाँ है, देखते हैं क्या आगे रिजल्ट निकलता है। मंथन से हमेशा कुछ न कुछ निकलता है, मृत्यु निकलता है।